हेलो एंड ग्रेट वेलकम। आज हम करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक को, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वे से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले इसको हिंदी में जानते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, पब्लिक का मतलब होता है लोक, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया लोक प्रशासन। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लोक यानी पब्लिक के लिए, लोगों के लिए यूज हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की हमें एक ऐसा शासन देना है जो कैसा हो, लोगों को एक तरह से उनका ध्यान रखने वाला हो या एक अच्छा शासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड जो है ये डिराइव किया गया है लेटिन वर्ड से, जिसमें एड का मतलब होता है टू एंड मिनिस्ट्रिएट का मतलब होता है सर्व करना, मतलब उनकी सेवा करना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पब्लिक का मतलब जानते हैं। पब्लिक मीन्स पीपल हो गए, या हम जिनको सिटीजन्स यानी नागरिक कह सकते हैं। जब भी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम सिर्फ इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जो पब्लिक सेक्टर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मीन्स सरकारी महकमा जो होता है, जिसमें कि पॉलिसीज जो होती हैं, जिनका मेनली काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाना, उसको लागू करवाना। क्योंकि अगर आप देखें इंडिया में, हमारे यहाँ पे डिजाइनिंग तो बहुत अच्छी हो जाती है पॉलिसीज की, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो ग्रास रूट लेवल पे इतनी रियलिटी जो होती है वो नहीं दिखाई देती है। तो सबसे पहले जब भी आप बता रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक को, तो उसमें आप बताएंगे कि पब्लिक मतलब लोग, पीपल और सिटीजन हम कह रहे हैं, एंड एड का मतलब होता है टू सर्व करना, यानी हम सर्व कर रहे हैं किसको, लोगों को सर्व कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे हमारा जो प्रशासन है वो अच्छा हो। ये कहाँ से आया है एक्चुअली, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थी वहां पर मोनार्ची सिस्टम था। मोनार्ची मतलब लोक राज, राजतंत्र, मोनार्की हो जाएगा, राजतंत्र था। एंड देन लोग जो थे वो काफी अवेयर हुए थे, और फिर मोनार्की जो थी वो कन्वर्ट हो गई डेमोक्रेसी के अंदर, मतलब प्रजातंत्र के अंदर। तो पहले जो राजा थे वो इतने अवेयर नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जब प्रजातंत्र की तरफ सिस्टम आता है तो यहाँ पे हर एक चीज बहुत अच्छे ढंग से, अलग अलग महकमे बनाए गए। तो इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को सर्व करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको। और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जनरली हम इंटरचेंजेबली उनको यूज कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है मैंने आपको अभी बताया था कि उसको हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। ये ऑपरेट होता है पॉलिटिकल सेटिंग में। कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए क्या होता है, उनके प्रति उनकी जवाबदेही होती है। तो वही चीज है यहाँ पे, और इसीलिए पॉलिटिकल सिस्टम कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस तो करता ही करता है, प्रभावित तो करता ही है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इट फोकस इज स्पेसिफिकली ऑन द पब्लिक ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेट्स आपने सुने होंगे, कौन होते हैं ब्यूरोक्रेट्स? ब्यूरोक्रेट्स होते हैं अफसर शाही, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, ये सब आते हैं आपके ब्यूरोक्रेट्स। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो हो जाती है, एंड इंडियन पुलिस सर्विस, एंड इंडियन फॉरेन सर्विस बोल देते हैं, या फॉरेस्ट सर्विस, या फॉरेन भी हो जाती है यहाँ पर। ओके, द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पर हम पब्लिक ब्यूरोक्रेसी को पढ़ेंगे। एंड यहाँ पर होता है कोऑर्डिनेटिंग, किस तरह से आपने एक अच्छा तालमेल बनाया है एंड कंट्रोल किया है गवर्नमेंट के ऑपरेशंस को। तो ये सब यहाँ पर पढ़ा जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है,
कंसेप्ट क्लैरिटी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, कंसेप्ट क्लैरिटी को जानने के लिए उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिनको जिनका नाम है वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन जो है, वुड्रो विल्सन, ओके, आई एम राइटिंग द नेम हियर, वुड्रो विल्सन ये 28th प्रेसिडेंट भी रहे यूएसए के, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। और इन्हें ही श्रेय दिया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग से डिसिप्लिन, एक अलग से सब्जेक्ट बन पाया। पहले क्या होता था, देखिए यहाँ पर 1887 से पहले जनरली जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पॉलिटिकल साइंस के साथ ही पढ़ा जाता था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पार्ट पढ़ा जाता था, मतलब एक हिस्सा माना जाता था। किसका? पॉलिटिकल साइंस का। अभी भी कई जगह पर पॉलिटिकल साइंस के साथ मर्ज करके ही पढ़ाया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वुड्रो विल्सन, जो कि इनका बहुत बड़ा योगदान कैसे होता है। देखिए, एक मैगजीन है जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, ये मैगजीन है। एंड यहाँ पर क्या होता है कि एक एस्से पब्लिश किया जाता है अ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, किनके द्वारा? वुड्रो विल्सन जी के द्वारा। और जिसमें ये बताते हैं कि अगर आपको सिस्टम को अच्छा चलाना है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को आप एक अलग डिसिप्लिन, एक अलग सब्जेक्ट की फॉर्म में पढ़ें। तो इनका जो योगदान है वो बहुत ही अतुलनीय है, इनक्रेडिबल है। और इन्होंने जो डेफिनेशन दिया, और उसके बाद बहुत सारे स्कॉलर्स जो होते हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनकी कही हुई बातों में सच में सबको दम लगता है कि पहले मोनार्की सिस्टम होने के कारण राजा जो थे वो प्रॉपर वे से ध्यान नहीं देते थे प्रजा के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी आई, लोग अवेयर हुए कि अलग अलग से सिस्टम बनाए गए, लाइक हेल्थ सिस्टम है, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो सिस्टम बनाए गए, चाहे हेल्थ का है, चाहे एजुकेशन का है, इसलिए बनाया गया ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रॉपर वे से चला सके, लोगों को जो पॉलिसीज हैं, जो सरकार बना रही है उसको प्रॉपर वे से इंप्लीमेंट कर सके। यहाँ पर एक वर्ड आता है कंपैरेटिव, यानी जहां पर हम कल एक तरह से क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। अगर हम तुलना करते हैं इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन की किसके साथ, यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो डेफिनेटली थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि यूएसए का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू इंडिया के। अगर इंडिया का हम कंपेरिजन कर रहे हैं किसकी तुलना में, नेपाल, भूटान या ऐसी कंट्रीज के साथ जो कि इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, तो उनके कंपैरिजन में इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा है। लाइक आप देख सकते हैं कि कोरोना काल जो था, जिसमें क्या था कि लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए पास बनाए गए थे, जो कि डीसी, जो कि डिप्टी कमिश्नर के द्वारा इश्यू किए जा रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए पुलिस किस लिए होती है, लॉ एंड ऑर्डर रहे उस जगह का प्रॉपर वे से। तो चलिए हम देखते हैं कि पॉलिटिक, यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया गया है वुड्रो विल्सन के द्वारा, जिन्हें की फादर भी बोलते हैं हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने ये कहा था कि इसे पॉलिटिकल साइंस के साथ नहीं, इसे अलग से एक सब्जेक्ट की फॉर्म में पढ़ना है। तो इन्होंने क्या बताया, आप इस डेफिनेशन को एज इट इज लर्न कर सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड। डिटेल का मतलब हो जाता है विस्तृत, जिसके बारे में पूरी जानकारी हो, एंड सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से, एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ, लॉ मतलब जो भी कानून जो बनाए जा रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम होता है। यहाँ पे प्रॉपर डिटेलिंग होती है और सिस्टमैटिक वे से उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, जो भी कानून बनाए जाते हैं हमारी संसद के द्वारा, या हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर के द्वारा। एक्सक्लूड्स पॉलिसी फॉर्मेशन एज वेल एज इलेक्ट
एक्सेप्टेड ऑफिशियल्स। एक्सक्लूड्स का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड होता है जिसे शामिल नहीं किया जाएगा। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एज वेल एज इलेक्टेड ऑफिशियल्स, यानी मेनली यहाँ पर ध्यान दिया जाता है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, एग्जीक्यूशन के ऊपर। एग्जीक्यूशन वर्ड हो जाएगा यहाँ पे लागू करना। और यहाँ पे पॉलिसी का फॉर्मूला हम नहीं बना रहे हैं, मीन्स यहाँ पर सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ना ही हम इलेक्ट कर रहे हैं ऑफिशियल्स को। तो ये चीज इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, वुड्रो विल्सन जी के द्वारा दी हुई है, इसको आप लर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा शाफ्रीड्स एंड रसल जो हैं, उन्होंने क्या कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट यानी लोगों के कल्याण के लिए, हम कह सकते हैं लोगों के इंटरेस्ट के लिए है जो वट एवर गवर्नमेंट्स डू फॉर गुड और इल, कि जो सरकारें हैं वो अच्छा करती हैं या बुरा करती हैं, इट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की। तो ये लोक प्रशासन के यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसमें जो राजनीतिक संदर्भ है, दैट मेक्स इट पब्लिक, दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम प्राइवेट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हम डिफरेंसेस देखते हैं कि कौन सा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है और कौन सा यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर अलग किया जाता है। लेकिन अब वुड्रो विल्सन की ये जो कोटेशन है, इसको एज इट इज यहाँ पर एज अ डेफिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एलडी वाइट के अकॉर्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट्स ऑफ ऑल दोज ऑपरेशंस हैविंग फॉर देयर पर्पस द फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एज डिक्लेयर्ड बाय अथॉरिटी। वही चीज बताई हुई है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो सभी काम किए जाएंगे जो कि किस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, वो मेनली बने हुए हैं पब्लिक पॉलिसीज हैं, लोगों के लिए नीतियां बनाई जाती हैं और जो कि डिक्लेयर की जाती हैं अथॉरिटी के द्वारा। अथॉरिटी मतलब जो भी अधिकारी होते हैं, मीन्स यहाँ पे हमारी संसद हो जाएगी। देखिए, पब्लिक पॉलिसी कैसे हम कह सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए जो काम किया जाता है। लाइक हम बात करते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोई भी पॉलिसी बनाई है, आयुष्मान भारत की है, या एक तरह से कोई भी है कि जो वीकर सेक्टर के जो पर्सन्स हैं, मेनली उनको टारगेट करके बनाई हुई है, तो यहाँ पर एक तरह से वो इंक्लूड की जाएगी। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसको प्रॉपर वे से हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा वो लागू की जाएगी कि लोगों को अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। चाहे हम बात कर सकते हैं एजुकेशन के सेक्टर की, इसमें मेनली हम बात करते हैं कि जो भी बच्चे हैं उनको प्रॉपर जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन है या हायर एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाए, और इसके लिए प्रॉपर स्कॉलरशिप्स जो होती हैं वो प्रोवाइड की जाए। तो ये हो जाता है यहाँ पे इस तरह से इम्प्लीमेंट करवाना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पोट्सकोर्ब थ्योरी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं पोट्सकोर्ब थ्योरी, जिसमें हर एक वर्ड किसी ना किसी प्रॉपर यहाँ पे डिफाइन किया गया है। लाइक पी का मतलब होता है प्लानिंग, प्लानिंग होती है जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो पहले हम प्लान करते हैं, नियोजन उसका बनाते हैं कि किस तरह से हम उसको प्रॉपर वे से अपनी पॉलिसीज को लेके आएंगे। तो सबसे पहला होता है प्लान करना, फिर होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठित करना या संगठन हो जाता है यहाँ पर, कि जहाँ पे सभी लोग काम करेंगे एक कॉमन गोल के लिए। उसके बाद होती है एस, एस का मतलब होता है स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि जब आप एक अच्छे स्किल स्टाफ को हायर कर रहे हैं जो कि आपके गोल को एक्वायर करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। डी का मतलब होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है जो भी गाइडलाइंस दी जाएंगी एक हायर अथॉरिटीज के द्वारा बाकी पर्सन्स को, सबॉर्डिनेट्स को, सो दैट कि काम को प्रॉपर वे से चलाया जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ से डीसी जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं अपने बाकी सबॉर्डिनेट्स जो है उनको कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना है, तो वो डायरेक्शन देते हैं। सीओ से हो जाता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के लिए है,
ये जो सीओ है ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। हर एक डिपार्टमेंट में सहयोग जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड आर से होता है रिपोर्टिंग, जिसको बोलते हैं प्रतिवेदन। रिपोर्टिंग करना यानी कहने का मतलब है कि जो भी जानकारी होती है वो जुटाई जाती है उस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग। एंड बी जो होता है बजटिंग। बजटिंग में हम कह सकते हैं कि कौटिल्य जी ने, कौटिल्य विष्णुगुप्त भी इनका नाम था, इन्होंने क्या कहा था कि जो बजटिंग होती है वो किसी भी डिपार्टमेंट की क्या होती है, एक तरह से बैकबोन होती है, उसी के ऊपर ही सारा का सारा सिस्टम रन करता है। तो इस तरह से आप इस मॉडल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बता सकते हैं कि गुलियन जो थे उन्होंने ये जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पोर्टस्कोर की थ्योरी को दिया था। यहाँ इस टाइप से भी आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे पी से हो जाएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बनाएंगे तो आपका जो पेपर है वो काफी अट्रैक्टिव भी लगेगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं हम, देखिए थ्री प्रस्पेक्टिव जो है, तीन तरह की जो सोच जो होती है यहाँ पे निकल के आती है। सबसे पहला आता है नैरो, नैरो का मतलब होता है संकुचित। फिर आता है ब्रॉड, यानी नैरो से थोड़ा ओपन माइंडेड हो गए। देन है यहाँ पे प्रिवेलिंग व्यू, डिवाइड्स करते हैं स्कोप को टू पार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आता है नैरो प्रस्पेक्टिव, जिसको हम पोडस्कोर मॉडल भी बोलते हैं, जो अभी हमने पढ़ा, जिसमें प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्शन दी जाती है, कोऑर्डिनेशन होती है, रिपोर्टिंग होती है, बजटिंग होती है। और इसे दिया था लूथर गुलिक ने। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था पोडस्कोर मॉडल, और ये है टेक्निक ओरिएंटेड है। इसके अलावा ब्रॉड पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो कवर्स ऑल द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तीन ब्रांचेस कौन सी है? देखिए गवर्नमेंट की तीन ब्रांचेस हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं। सबसे पहला आता है जो कि कानून बनाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव हो गया। देन होता है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हो गया सेकेंड नंबर पे, एंड थर्ड नंबर पे होता है जुडिशरी। तो ये तीन पार्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जीक्यूटिव जो कि कानून बनाने का, लॉ मेकिंग का काम किया जाता है, और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो उनको एग्जीक्यूट यानी लागू करवाते हैं। और जुडिशरी के अंदर न्यायालय हो जाता है, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट्स हो गए, हाई कोर्ट्स हो गए। तो ये तीन पार्ट है नॉर्मली गवर्नमेंट के। इसके अलावा जो फोर्थ पिलर भी माना जाता है, दैट इज द मीडिया, उसे चौथा स्तंभ माना जाता है सरकार का, या हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का। देखिए यहाँ पे है लाइक अ कोऑपरेटिव ग्रुप हो जाएगा यहाँ पे, पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, एक्सपोनेंट। ये वुड्रो विल्सन जो कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके द्वारा दिया गया। और ये हो जाता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, मीन्स किसी सब्जेक्ट को, किसी विषय को लेकर यहाँ पर बनाया गया है। और वुड्रो विल्सन जी ने ही कहा था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसे पॉलिटिकल साइंस में ना पढ़ा जाए, इसे एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ा जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आते हैं प्रिवेलिंग व्यू, जो कि इस स्कोप को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और एक होता है अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अंदर है लाइक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, हम पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जिसमें कि सभी कैसे काम कर रहे हैं, सभी कोऑपरेशन से कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। बिहेवियर हो गया, बिहेव यानी जो बाकी वर्कर्स हैं या बाकी जो पर्सन्स हैं उनका बिहेवियर कैसे है। एंड देन है पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम अप्लाइड की बात करते हैं, अप्लाइड हो जाता है जो कि आप प्रैक्टिकल लाइफ से भी कोरिलेट कर सकते हैं, जिसमें पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, लेजिस्लेटिव हैं, फाइनेंशियल यानी वित्त हो गया, जिसमें डिफेंस हो गया, एजुकेशन से यानी जैसे आपने देखा होगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, एजुकेशन, यहाँ पर सोशल वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण के लिए जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है, या हम कह सकते हैं कि सब्सिडी दी जाती है कि एक तरह से सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी होती है, या नॉर्मल वैसे भी जो आर्थिक सहायता दी जाती है, इकोनॉमिक हो गया,
एंड देन फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आप दूसरी कंट्रीज के साथ किस तरह से रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाएंगे अपनी कंट्री के लिए, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे आप लोकल यानी वहीं का ही स्थानीय जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन, उसको भी देख सकते हैं। तो ये कुछ थोड़े से ऐसे व्यूज हैं जो कि आपका इंटरेस्ट जनरेट करेंगे और आपको ये इजी रहेगा सब्जेक्ट को समझना। तो इसी के साथ हम करते हैं अपने वीडियो को यहाँ पे एंडिंग करते हैं, एंड इसी होप के साथ कि हम वेरी सून हम अपने अपकमिंग वीडियोस में दिखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।